हरे कृष्णा। अपने सारे दिन की बातचीत में हम प्रतिदिन न जाने कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन मैं और मेरा शब्द का अनेक बार प्रयोग करने पर भी हम यथार्थ रूप में ये नहीं जानते कि मैं कहने वाली सत्ता का वास्तविक स्वरूप क्या है, यानी मैं शब्द जिस वस्तु का सूचक है वह है क्या। आज हम साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीजें बना चुके हैं, संसार की अनेक पहेलियों का उत्तर भी जान चुके हैं, अन्य अनेक जटिल समस्याओं का हल ढूंढ निकालने में लगे हुए हैं निरंतर, परंतु मैं कहने वाला कौन है इसके बारे में सच्चाई से पूरी तरह अनजान है, अनभिज्ञ है, अर्थात हम स्वयं को नहीं जानते। आज किसी मनुष्य से यदि पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वह झट से अपने शरीर का नाम बता देगा या अपने काम, धर्म, देश सब कुछ गिना देगा, लेकिन वास्तविक मैं शब्द जो है वो शरीर से भिन्न सत्ता है, यानी आत्मा का सूचक है। हम जीव, और ये जीव कोई भी हो सकता है जिसमें जीवन है, कोई पशु पक्षी जो चेतन है, यानी ये जीवन आत्मा और शरीर को मिलाकर बनता है। आइए और अच्छी तरह से इसे समझें कि हम कौन हैं और कहाँ रहते हैं, या फिर हमारे कितने शरीर। तो इसका बहुत आम उत्तर है कि हमारा एक ही शरीर है, और सही भी है, क्योंकि अपनी इंद्रियों से हम इसी एक शरीर को अनुभव करते हैं। जबकि शास्त्र कहते हैं कि हमारे तीन शरीर हैं। पहला, ये बाहरी स्थूल शरीर जो पांच भौतिक तत्वों से बना है, जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश। पृथ्वी, जिसमें सभी ठोस तत्व सम्मिलित हैं, जल जिसमें सभी तरल तत्व हैं, अग्नि जिसमें ऊष्मा और जलन तत्व, तथा आकाश जिसमें अंतरिक्ष है, शब्द है, खाली स्थान है। दूसरा, आंतरिक सूक्ष्म शरीर जो बनता है तीन सूक्ष्म भौतिक पदार्थों से, जो है मन, बुद्धि और अहंकार। मन अर्थात जहां रहते हैं हमारे विचार, हमारे अनुभव, एहसास, इच्छाएं और भावनाएं। बुद्धि, जिसके दो कार्य हैं, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता और दृढ़ निश्चय। और अब तीसरा है अहंकार, फॉल्स ईगो, यानी अपने को वो मानना जो हम हैं ही नहीं, और सबसे बड़ा झूठ ये कि हम ये शरीर हैं। मैं लंबा हूँ, छोटा हूँ, मोटा, काला, गोरा, अमीर या गरीब, या भारतीय हूँ या चाइनीज हूँ, अमेरिकन हूँ, बहुत सारी उपाधियाँ जो हमने अपने आप को दी हुई हैं, जो कि इस शरीर के छूटते ही यहीं पर धरी की धरी रह जाती है। जबकि सच ये है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और यही है हमारा सत्य स्वरूप, जिसे शास्त्र आत्मा कहते हैं, जो तीन आध्यात्मिक तत्वों से बनी है, जो है सत, यानी जो शाश्वत है, दूसरा चित, यानी जो ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञानमय है, वह तीसरा है आनंद, जो सदैव आनंदमय है। इसे और अच्छी तरह समझते हैं कि जैसे एक थ्री पीस सूट में बाहरी कोट हमारा बाहरी स्थूल शरीर है, अंदर की शर्ट यानी कमीज हमारा अंदर का सूक्ष्म शरीर, और वह व्यक्ति जिसने वो वस्त्र पहना है वह है आत्मा, हमारा आध्यात्मिक शरीर। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है कि यदि हमारे तीन शरीर हैं तो वास्तविक हम कौन हैं, कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या कौन है जो इस सब का स्वामी है। तो उत्तर यह है कि जैसे थ्री पीस सूट पहनने वाला व्यक्ति ही उसका स्वामी है, तो वैसे ही हमारा आध्यात्मिक शरीर हमारी वास्तविक पहचान है, हम हैं, यानी आत्मा, जो पहले सूक्ष्म शरीर रूपी शर्ट से और फिर स्थूल शरीर रूपी कोट से ढकी हुई रहती है। हमने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि मेरी आत्मा, यानी मैं कौन हुआ, ये शरीर, जबकि सच ये है कि हम आत्मा हैं जो इस शरीर के भीतर रहते हैं। वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स विद ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, रेदर वी आर स्पिरिचुअल बींग्स विद ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। मानव शरीर से जुड़ी कई तरह की भ्रांतियां हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तमाम जागरूकता के बाद भी लोग मिथकों पर ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, परंतु सत्य ये है कि हम आत्मा हैं, व आत्मा में ही विचार करने और निर्णय करने की शक्ति होती है, तथा वह जैसा कर्म करती है उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं, जिनके कारण अलग अलग जन्मों में उसे अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।